ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, अपने बच्चों के नाम हम अपने आराध्य के नाम पर रख सकते हैं नहीं, इस विषय पर प्रश्न आया है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, ये विषय जो है थोड़ा हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ा राशि के हिसाब से भी चर्चा करेंगे, राशि के हिसाब से आपको जो नाम रखने हैं के हिसाब से रखने चाहिए, तो आज हम पूरी आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन नामों की मैं बात कर रही हूँ वो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, उन्हीं नामों की मैं बात कर रही हूँ, अर्थात जो हमारी संस्कृति में कुछ नाम विदेशी संस्कृतियों से घुस आए हैं जिनका मैं अर्थ नहीं पता है, मैं उनके विषय में यहाँ चर्चा नहीं कर रही। जैसे रिंकी, पिंकी, टिंकी, टिंकू, पिंकू, मिंकू, ये सब नाम मुझे इनकी जानकारी नहीं है क्योंकि इनके अर्थ मुझे पता नहीं है, तो मैं इसके विषय में आपसे कोई चर्चा नहीं करी। पर हाँ, हमारी सनातन संस्कृति से जो नाम जुड़े हुए हैं हम अब यहाँ उनकी बात करें। और हमारी सनातन संस्कृति अर्थात भारत में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं सब हमारी सनातन संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं, तो हम सबके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे और उन सबके नाम कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, तो हम उन सबकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं और सबके विषय में हम बात करेंगे। और नाम के विषय में अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है, पर नाम के गुण क्या हैं उस अनुसार आप समझ सकते हैं कि अभी हमें ये नाम रखना चाहिए या नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अपने आराध्य के नाम पर ही नाम रखने चाहिए, पर मैं आपको अपनी एक असमंजस बता दूँ। मेरी अपनी जो मैं हूँ, ये मतलब प्रभा, क्या है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान प्रभात कुमार है, मेरे बड़े भैया का नाम श्रीमान हरिनिवास है, मेरे दूसरे भाई का नाम श्रीमान प्रेम निवास है। बड़े भैया मुझसे 7 साल बड़े हैं, जो प्रेम निवास जी हैं वो मुझसे 3 साल बड़े हैं, तो और मेरे पिताजी तो मुझसे करीब हैं ही काफ़ी, करीब शायद 25-30 साल बड़े हैं, तो उनकी तो कोई गिनती नहीं उस विषय में। पर हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि यदि किसी बच्चे का नाम मेरे पिता के या मेरे बड़े भाइयों के नाम के ऊपर होता है, अर्थात जिनको मैंने भैया या भाई साहब या ऐसा कह के बुलाया उनके नाम पर किसी का नाम होता है, तो मैं जल्दी उस नाम को संबोधित नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे उस नाम को संबोधित करने की आदत ही नहीं है और मेरा स्वभाव ही नहीं बनता है। जैसे मेरी एक सहेली है, उसके पिता का नाम, क्षमा करें, उसके पुत्र का नाम मेरे पिता के नाम पर है और उसके पुत्र का दूसरा नाम उन्होंने ओम रखा है, तो मैं उस बच्चे को हमेशा ओम कहकर ही बुलाती हूँ, उसके दूसरे नाम से नहीं बुलाती क्योंकि वो मेरे पिता का नाम है, तो मैं उस बच्चे को भी उस नाम से संबोधित नहीं कर पाती हूँ। तो आप, मैं ये चीज़ यहाँ सोचती हूँ, मेरा विचार ये आता है कि जो परम पिता है उसका सीधा नाम मैं कैसे ले सकती हूँ, मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं ले पाऊँगी, तो मैं ऐसा नाम मेरे बच्चे का रखना, मैं अपने बता दूँ तो मैं नहीं रख पाऊँगी क्योंकि जिस नाम को मैं संबोधित करके बुला नहीं सकती मैं उस नाम को अपने बच्चे को कैसे दे सकती हूँ, और बच्चे का नाम हमें संबोधित करना पड़ता है, करना होता है। तो ये एक सीधी सी बात है, यदि आपकी मान्यता कैसी है वो आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर नहीं करता है, तो आपकी जो मान्यताएं हैं। अच्छा, अब आपको बता दूं, कभी कभी जब विवाह होते हैं तो विवाह के समय जो होता है तो हमने ऐसा देखा है कि अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है, उनका विवाह उमा नाम की स्त्री से हो गया, अब उमा किसका नाम है उसको उस समय पता नहीं था, पर वो शिव का उपासक है और राम स्वयं शिव के उपासक थे, तो अब आप ये समझिए कि यदि उमा नाम की स्त्री से उसका विवाह हो जाता है तो यदि कभी उसको ये बात ज्ञात हो जाती है, पता चलती है, उसके मस्तिष्क में आ जाती है, तो उमा से उसका संबंध बन पाना यानी कि आगे निभा पाना, एक पत्नी के रूप में एक पति पत्नी के संबंध को निभा पाना उसके लिए कितना दुष्कर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो नाम रखना कि जो सीधा हमारे जो संबोधन हम सीधा इस्तेमाल करते हैं पूजा आदि में, उस नाम से संबोधित करना कई बार बहुत दुष्कर हो जाता है। हाँ, यदि आप गुण कर्म या कुछ स्वभाव के आधार पर कुछ नाम रखते हैं तो उसमें समस्या नहीं आती है। जैसे एक महादेव का नाम है नीलकंठ, अर्थात वो नीलकंठ हैं, उनका गला नीला है इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। यदि महादेव, शिव, ये नाम सीधा बोला पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, पर नीलकंठ उनका एक उपनाम है अर्थात वो नाम रखा, अब उससे सीधा जुड़ाव नहीं होता, पर हाँ शिव जी का नाम है ये हम मान सकते हैं। ऐसे ही हर नाम हमारे जो रखे गए हैं वो गुण कर्म स्वभाव या इसी रूप में रखे गए हैं, तो उस अनुसार यदि हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो हमें अपने बच्चों का नाम लेने में या आगे भी चलकर उनको आसानी होती है। अब जैसे पेड़ों के नाम होते हैं वो भी किसी ईश्वर के नाम पर हैं, शिरीष है, ऐसे बहुत सारे पेड़ों के नाम हैं, तो वे जो हैं ये आप ले सकते हैं तो समस्या नहीं आती। पर हाँ, जो सीधे नाम है, अब जैसे हमारे यहाँ कुछ नकारात्मक नाम नहीं रखे जाते, जैसे मैंने आज तक अपने 45 साल के जीवन में कैकई, मंथरा, विभीषण ये नाम किसी के नहीं देखे, लंकेश मिले, मेघनाथ मिले, इंद्रजीत मिले,
लेकिन कोई विभीषण नहीं मिला, कोई मंथरा नहीं मिली, कोई कैकई नहीं मिली, क्योंकि ये नाम हमारे नकारात्मक माने जाते हैं। विभीषण ईश्वर भक्त होते हुए भी घर का भेदी था, इसलिए कोई नाम अपने बच्चे का विभीषण नहीं रखता। मेघनाथ रखते हैं, इंद्रजीत भी रखते हैं, पर विभीषण नहीं होता, क्योंकि हम नामों के कुछ स्वभाव के साथ जुड़ते हैं और हम उनको वैसे ही देखते हैं। तो हमें अपने बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए, कुछ इस आधार पर भी आपको मस्तिष्क में स्पष्ट होगा। मैं ये आपको आधार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नाम रखने में सुविधा हो। मित्रों, नाम सार्थक होना चाहिए, क्योंकि नाम का जो गुण है वो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं, मेरे दर्शकों ने भी बात कही है, आपने अपने नाम के प्रभाव को सार्थक किया है, क्योंकि मेरा नाम प्रभा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जो मैं काम कर रही हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि आपने अपना नाम सार्थक किया। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा आपने अपने नाम का गुण बढ़ा दिया। पर यह बात है कि भाई यदि मेरा नाम कुछ और होता तो शायद मैं ऐसी होती नहीं होती, मैं नहीं जानती। पर हाँ, नाम का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पर आप कहेंगे हमने बहुत सारे, जैसे नैनसुख हमने अंधे भी देखे हैं, ये बातें भी होती हैं। पर यदि आप जरा से जागृत हैं, यानी कि आप जो आत्मा है, आपकी आत्मा जरा सी भी जागृत है, तो आपके नाम का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। आपके उसका जो प्रभाव है वो ऐसा होता है कि आप उस जीवन को वैसे जीना चाहते हैं। यदि कोई किसी व्यक्ति का नाम राम है और वो भले अभी लगता है कि चरित्रहीन है, लेकिन हाँ, कहीं ना कभी जिस दिन वो जागेगा वो अपने आप को राम जैसा बनाने के प्रयास अवश्य करेगा, क्योंकि ये गुण जो हैं, नाम के जो गुण हैं, वो व्यक्ति को प्रभावित करते ही हैं। और हाँ, अब कई बार राशि के आधार पर जो नाम रखे जाते हैं उनमें कुछ बात बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जानने वाले कहते हैं, मैंने ये सुना है, क्योंकि मेरे भैया भी ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, कि जितने नामों से बच्चे को संबोधित किया जाता है, उस राशि के जो प्रभाव हैं उस बच्चे को झेलने पड़ते हैं। अर्थात अब इसमें जो डिटेल है वो पूरी विस्तार बहुत अलग है, पर हाँ, इतनी सी बात है कि यदि बच्चे के आप चार राशि के नाम रखते हैं तो बच्चे को चार राशियों के प्रभाव देखने पड़ते हैं। अब मूल तो इसमें हम एक ही बात मानते हैं कि हर व्यक्ति को जो स्वभाव, जो परिणाम मिलते हैं, जो उनके जीवन पर प्रभाव होता है, उनके कर्मों का होता है। कर्म के अनुसार भाग्य बनता है, और हाँ, प्रारब्ध उसमें मूल होता है। आपका प्रारब्ध क्या बना हुआ है, आपने पिछले कर्म क्या किए हुए हैं, पिछले जन्मों के आपके कर्म क्या है, उस पर निर्भर करता है कि आपका प्रारब्ध क्या बनता है, और उससे आपका वर्तमान स्थिति निर्भर करती है। क्योंकि हमने देखा है, एक ही राशि के व्यक्ति, अलग अलग नामों के व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति पर एक समय में एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात उनके कुछ अलग चीज़ें बनती हैं, कुछ अलग दोष या गुण बनते हैं, जिससे उनको प्रभाव अलग अलग मिलते हैं। इसलिए कभी भी मात्र ये आप भाग्य के आधार पर ना बैठे रहें, कर्म प्रधान जीवन है हमारा, हमारे कर्म से हमारे भाग्य बदलते हैं। एक बात मैंने सुनी है कि मनुष्य यदि चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसमें फिर उसके किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, पर हाँ, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव उसके कर्म का ही पड़ता है। इसलिए नाम का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव उससे प्रबल है, इसलिए कर्म के साथ नाम को देखें। आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा कि आपको अपने बच्चों के नाम कैसे रखने हैं, क्योंकि मेरे पास इससे विशेष जानकारी नहीं थी, तो जो जानकारी है मैंने आपको अपने हिसाब से बताई है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, साथ ही वीडियो विवरण के जो वीडियोज़ हैं, नियम पालन प्राणायाम और व्यायाम की वीडियोज़ हैं, ये सभी रोगों का, तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।